क्या मामला है, कहां से आए हैं और क्यों प्रेस क्लब आए हैं? मामला जैसे कि हमारा किसने सूचना दिया था? क्या लड़के के पॉकेट से कोई ऐसा दस्तावेज मिला जो? आपका लड़का क्या करता था? वो जो है इंटर पढ़ा था, आईटीआई कर लिया था, लॉकडाउन के समय जो है पढ़ाई। क्या आपके लड़के से किसी की दुश्मनी थी? ये मुकदमा कब दर्ज हुआ है? इतने दिनों से मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ था? देरी हमको दौड़ाते हैं, कल आइए परसों आइए, आपका मुकदमा लिखने वहाँ पे जो है दिया, आई जी को वहाँ दिया, पीसीओ साहब ने तब फोन किया, कमिश्नर साहब को दिया, तब जाते हैं आज जो है 11 तारीख की घटना है, 11 तारीख और आज 26 तारीख को 9:23 पे मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। आखिर मुकदमा क्यों नहीं पंजीकृत किया गया, क्या कारण रहा? और उन्होंने लोगों से जो स्टेटमेंट दिया, बोला कि आप कहीं भी जाएंगे किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो वाला मेरे पास ही है। और एसओ का क्या नाम है? और मेरा ये स्टेटमेंट कि आप कहीं जाएंगे तो वाला मेरे पास ही है। आज मुकदमा पंजीकृत करते हैं 15 दिन बाद, कड़ी हित का शिकायत किया जाए कि महामंत्री की हत्या होती है। और आप देख सकते हैं कि आज ये जो है 9:23 पर इन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है और ये ऑनलाइन कॉपी वहाँ पे दिखा रहे हैं, ये उस मुकदमा की जो है हर सामान्य कॉपी है। ये आप पूरा देख सकते हैं इसमें जो है। ये सारा मामला इसमें दर्ज है, किस बात से पीड़ित है? इस लड़के की हत्या अभी पृथ्वी राय नाम। क्या उसका फोटो है क्या कोई? फोटो मिल जाएगा, फोटो जरा निकालिए लड़के का। ये बताइए इतने दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ, दौड़ते रहे, किन किन लोगों से मिला आपने बीच में? जी कमिश्नर के वहाँ गए, सीओ के वहाँ गए, कप्तान के वहाँ गए, सचो शाहपुर तो दाई दौड़ा ये मामला वहीं का था, और केंद्रीय सचो के वहाँ हम लोग गए, हर जगह दौड़े। और कल हम लोग जब पूरी संख्या में गांव के लोगों को लेकर के आए और बहुत सारी संख्या हमारे पास सैकड़ों की संख्या थी महिलाओं की संख्या, तो ये सब चीज़ जानते हुए आज हमको लग रहा है कि यहाँ से फोन लिया होगा जब रेलवे अधिकारियों का, तो उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है। लेकिन उसमें उनको यह है कि निवेशक अगर वो रहते हैं तो हमें डर है कि कुछ निवेशक में वो बचा ले जाएंगे जो हत्या रोपी है उसको, अगर वो विवेचक से हट जाए तो वह विवेचक बन जाए, तो हमें विश्वास है, इनके ऊपर विश्वास नहीं है।